अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं संडे राइड पे एंड भाई अभी बज रहे सुबह के 6। वैसे तो भाई हम लोग रात भर सोए रही है एंड भाई प्याज है हमारे साथ, मेरी 390 एंड वो रही स्टीवन की 390 एंड भाई वो रही 900। तो भाई वो 390 है BS4, जैसे कि आपको पता था भाई उस 390 का हो गया था स्पार्क प्लग मतलब ख़राब, पूरा भाई गल चुका था। तो पहले वो क्लिप मैं डाल दूंगा क्या हुआ था क्या नहीं, तो भाई पहले वो देख लो। सो गाइस इस बाइक में ये प्रॉब्लम था भाई, इसका स्पार्क प्लग मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि भाई ये गल चुका था। ये एक बार देखो भाई स्पार्क प्लग को पूरा ज़्यादा गल गया था क्या भैया? पूरा गल गया था। तो भाई अभी ये भाई बाइक में सारा काम हो चुका है, बस इसकी सर्विस बाकी है। तो बस एक घंटे में सर्विस भी हो जाएगी, देन इसको बाइक फिट होगी, देन इसको लेके हम लोग निकलेंगे। तो सोचा कि आपको बता दें इस बाइक में क्या प्रॉब्लम थी भाई। तो कभी भी स्पार्क प्लग अच्छा वाला लगवाया करो बाइक में, ऊपर से ये ड्यूक 390 थी, पता नहीं ये लोकल कहाँ से लगवा लिया था, कहाँ से लगवा लेते हो भाई सब उल्टा सीधा चीज़। अभी इसमें ओरिजिनल KTM का डल चुका है, तो फटाफट इसको कराते हैं अंदर, यहाँ से निकलते हैं। रही हमारी बाइक, तो बाइक पूरी चमका रखी है। तो भाई ये चेकआउट करो, मैंने अपना भाई इसको ब्लैकआउट करा लिया था, लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया ही था, काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू लग रहा है। तो भाई यहाँ पे ये रही BS4 390। तो भाई इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसकी DRL हल्की सी रेड है, तो ये भी भाई पूरा ब्लैकआउट है, ये तो पूरा ब्लैकआउट है भाई। तो इसका कलर चेकआउट करो, उतने दिन से हम इसमें रात में ब्लॉग बना रहे थे तो अच्छे से दिखा नहीं होगा, तो अभी दिखा दे रहा हूँ। हल्की सी यहाँ पे 390 थोड़ी सी हाईलाइट है एंड भाई ये रही 900। तो आज आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा एंड आगे और भी बाइक्स हमें ज्वाइन करने वाली हैं। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से, हम सीधे मिलते हैं आपसे GoPro पे। तो आपने क्लिप देख ही लिया होगा इस बाइक में क्या हुआ था क्या नहीं। तो भाई बाइक की हमेशा केयर करा करो भाई, मतलब कुछ भी हो तो तुरंत चेक करा लिया करो, वरना छोटी छोटी प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अगर ये उस टाइम नहीं दिखाया रहा था तो भाई इसके पूरे हेड में प्रॉब्लम आ जाता, तो भाई कम से कम 30-40 हज़ार का खर्चा बैठ जाना था। एंड भाई स्पार्क प्लग कभी भी ओरिजिनल लगा, ऊपर से ये सब बाइक में, ये सब तो ऑलरेडी इतना ही ज़्यादा गर्म होती है, पूछो मत। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं फ्यूल अप कराने, क्योंकि भाई पता ही है मेन थिंग यही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब भी भाई 505 भाई। आज तो संडे राइड एंड काफ़ी दिन बाद हम लोग जा रहे हैं संडे राइड पे एंड 900 शायद वहाँ पे लगी हुई है। देखो तो गाइस निकल चुके हैं हम लोग आगे चल के जी 900 एंड उसके बाद 390। भाई क्या साउंड कर रही है यार भाई, ये चेक करो भाई। आज हमें सीधे वाले रास्ते से जाना है लोग पीछे भाग रहे हैं। क्या भाग रही है अपने 390 भाई, क्या भाग रही है। गाइस यहां से हमें शायद अभी जाना है लेफ्ट, तो भाई साहब इतना ज़्यादा यहाँ पे सैंड है कि भाई लीन वीन आने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी कर सकते हो एंड भाई अभी सुबह सुबह निकले हैं तो भाई पूरा ज़्यादा ही खाली है। ये रही भाई ड्यूक 390 एंड ये देखो भाई साहब क्या ही आवाज़ कर रही है। तो अभी जब सुबह सुबह निकले हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह तो बिल्कुल खाली रहता है। अभी भाई सुबह मॉर्निंग राइड की भाई बात ही अलग है। हम लोग अभी मरीन ड्राइव पे एंड भाई पता नहीं रोड यहाँ के गीले क्यों है यार, समझ नहीं आ रहा यार। अगर ऐसा रोड गीला रहा तो भाई आज बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला, बट एक साइड के गीले है। ये देखो भाई कितना प्यारा वेदर आज हो रहा है, कितना प्यारा वेदर, इतना सुबह तो कभी नहीं आया मैं इधर भाई। सो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग, आज हमारे साथ है 2390 एंड 2Z900 एंड भाई एक रही MT। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से एलिवेटेड की तरफ एंड भाई क्या ही प्यारा लग रहा है राइट भाई भाई भाई। चलो गाइस तो निकलते हैं,
भाई क्या ही भाग रहे थे भाई, मजा आ गया भाई। सुबह सुबह यही मजा आता है, थोड़ा रोड खाली रहता है, वरना शाम टाइम तो ये भाई क्या ही गंदा भरा रहता है, पूछो मत, बहुत ही गंदा भरा रहता है। क्या ही भाई पटाखे मार रही है। पूछते भाई इसकी कितनी गई, कितनी गई, कितनी गई, हाँ 167। डैड्स भाई इसलिए तो पीछे थे। मार दे क्या साली, बढ़िया लीन बज रहा है भाई, छोटा छोटा लीन है, थोड़ा सा बड़ा रहता तो और ज्यादा मजा आता। वो रिएक्शन चेक कर रहे हो भाई, भर भर के रिएक्शन मिल रहे हैं। जाओ 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 से 360 लगा लूं, तो यहां से भाई 360 लगा के देखते हैं। सो भाई कि अभी जैसे आपने देखा भाई मेरी बाइक गई 167 एंड भाई इसकी पता नहीं कितना 171 के कितना गई। तो भाई क्योंकि ये BS4 है भाई, इसमें बहुत गंदा पावर, मैंने इसे चलाया है एंड पता नहीं, देखते हैं। मेरा बाइक का थोड़ा सा स्प्रॉकेट भी चेंज कराना है, जैसे कि मैं गया था वहाँ पे तो बोले कि थोड़ा सा और चला लो 500 किलोमीटर, तो फिर सर्विस में चेंज करा लेना। तो अभी देखते हैं, हो सके तो यहाँ से भी एक जाने टाइम भी एक ड्रैग मारेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं, कुछ क्लिप्स निकालते हैं बाइक की, देन मिलते हैं आपसे। भाई इसका GoPro हैंग हो जाता है यार, पता नहीं क्या बीमारी है इसमें भाई, GoPro हमेशा हैंग हो जाता है भाई, इतना महंगा महंगा GoPro भाई हमेशा हैंग हो जाता है भाई। ये व्यू चेक आउट करो, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं भाई क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है, GoPro बार बार बंद हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, मूड खराब हो जा रहा है भाई।
ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। सो गाइस अभी हम लोग आए थे हरिलाल एंड भाई यहाँ पे लगी हमारी बाइक्स, पता नहीं भाई गोप्रो में क्या पंगा हो रहा है भाई, बार बार बंद हो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा तब क्या ही ब्लॉग बनाऊंगा भाई ये। तो भाई अब यहाँ का ब्लॉग मैं अब यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, पता नहीं घर पे जाके चेक करेंगे क्या दिक्कत आ रहा है गोप्रो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय एंड राइड सेफ।